तो यार अपने मास्टर केस के अंदर आ गए हैं हमारे सुरिंदर। इस बार भी मास्टर केस सारा गंदा कर दिया। कोई चल तकरीबन 3 से 4 दिन पहले हम लोग मास्टर केस अच्छी तरह से दिया था, लेकिन सारा गंदा कर दिया। तो जैरी को देखे इधर बैठा हुआ है। आज हम नए नए तरबूज डाले हैं कि ये खा लें, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं खाया। जैरी इस वाले कबूतर के पास थोड़ी देर पहले आया तो कबूतर ने पकड़ कर इसके सर के अंदर चुंच मारिया। जैरी काफी ज्यादा बोलना शुरू हो गया था, तो फिर जैरी को मैंने पकड़ के वो पीछे कोने में से निकाला। ये जो हमारा जैरी है इधर, ये जो कबूतर बैठा हुआ है इसके साथ ही आकर बैठ जाता है। ये बात कबूतर इसे कुछ कहते ही नहीं ना। इधर जो फीमेल बैठी है देखते हैं उसने कितने अंडे दे दिए। यार माशाल्लाह इसके 3 अंडे हो गए हैं। समी 3 अंडे इसने दे दिए। उसके देखो यार, ये पीटर भी नीचे एक फेंका हुआ है, और ये जो फिंजिल के लिए रिंग मंगवाई थी ये भी नीचे फेंकी हुई है। इधर सोफे बैठते हैं, सोफे बैठते हैं, सारा सामान नीचे गिरा देते हैं। ध्यान रख लिया करो जो नीचे गिर उठा दिया करो। तो यार इस कबूतर के पास है, इसे डर लग रहा है कि मुझे तंग करने लगे हैं। लेकिन हम ये वाली 2-3 अंडे देखने लगे। 2 अंडे माशाल्लाह इसने दे दिए हैं। इसके देखता हूँ यार, इसने भी अभी 2 ही अंडे दिए हैं। यार ये भी जो हमारी तोती है, इसने सारी तोतियों से कम हमारे सेटअप पर अंडे दिए हैं। नहीं तो सारों ने 5, 6, 7 जो ऊपर वाली तोती है उसने माशाल्लाह इस बार 8 अंडे दे दिए हमारे सेटअप पर। तो चलते हैं बाहर अपने टर्की के चूजों को दाना डालते हैं। यार माशाल्लाह से हमारे ये भाई जो टर्की के चूजे हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। इन्हें भी आते तरबूज डाला था, लेकिन इन्होंने काफ़ी शौक से खाया है। तो इन्हें थोड़ी सी फीड डाल देते हैं ताकि ये खा लें। ये देखें कितनी स्पीड से फीड खाने आए हैं। तो यार अपनी मछलियों के फीड डालने लगे, इन्हें भी काफ़ी भूख लगी है। देखें कैसे भाग रही हैं। इनकी फीड ख़त्म हो गई, इंशाल्लाह किसी दिन बाजार जाकर इनकी फीड भी लेकर आएंगे। यार इन्होंने बड़ी देर हो गया बच्चे नहीं दिए। पिछली सर्दियों इन्होंने दिए थे, उससे हाँ, भी पहले दिए। पिछली सर्दियों के शुरू शुरू में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चे दिए थे। तो तब हमने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं थी की उनकी। तो चलते हैं ऊपर अपनी मुर्गियों के पिंजरे के अंदर स्प्रे करते हैं। उनके पिंजरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। यार अपनी छत पर आ गए, अपनी मुर्गियों खोल दिया, काफ़ी तेज़ी से बाहर आई हैं। इनके पिंजरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरस आ गया और चीचड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम इनके पिंजरे के अंदर ये स्प्रे कर देंगे, ये जो पाउडर है इसे पानी के अंदर मिक्स करके स्प्रे कर देंगे, ताकि हमारी मुर्गियों को वायरस ना लगे और बीमार ना हो। अंडा देखा भी है? अंडा मैं देख लेता हूँ। तो यार आए फिर बादल बन गए हैं, बारिश आ जानी है 1 से 2 दिनों में फिर से। काफ़ी ज़्यादा दोपहर टाइम गर्मी थी, बाहर भी नहीं था निकला जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो शाम टाइम बादल आ गए हैं। तो इनके पिंजरे के अंदर देखते हैं इन्होंने कोई अंडा दिया। यार इनके पिंजरे में देख मिट्टी कितनी ज़्यादा उड़ रही है। यार कोई भी नहीं इन्होंने अंडा दिया, सारा दिन मिट्टी में खेलती है। हाँ अंडा इन्होंने कोई भी नहीं दिया। तो यार पिंजरे के अंदर काफी ज्यादा गर्मी है। तो यार जल्दी से मैं स्प्रे बनाता हूँ इनके पिंजरे के अंदर करते हैं। ऐसे नहीं इन्हें हल्का हल्का दाना डालना, नहीं तो इन्हें सारा दाना बाहर फेंक देना, बाहर ही पड़ा जाया होगा। उतना डालना, उतना खाती है तो फिर और डालना। हाँ फिर स्प्रे कर देते हैं पिंजरे में, नीचे ना ग्रह, नीचे नहीं ग्रह। इससे वैसे कीड़ियाँ मरती हैं, लेकिन जितना भी वायरस है चीचड़ वगैरह होंगे सारे मर जाएंगे। बहुत है, काफी है। इतना ज्यादा हो गया यार, इतना पाउडर काफी है, इतने में बोतल बन जाएगी। तो फिर किस दिन फिर कर देंगे। हाँ इधर तो खास में पानी डालो, रुपया पहले मिक्स करने दे थोड़े से पानी में। यार हमारी स्प्रे तैयार हो रही है, हमें इधर मैं ये पानी पानी डाल देता हूँ। तो जल्दी से स्प्रे करते हैं। आज इनके पिंजरे के आगे कपड़े नहीं करने, क्यों? ताकि इन्हें स्प्रे का कोई असर ना ना हो जाए। ये ईंटों के अंदर मार पहले, ये वाले। हाँ तो यार ये देखें जितनी भी मक्खियां सारी बाहर आ रही हैं, समी ये देख। हाँ ये वो देख, वो घूम रही हैं। हाँ मरने वाली हो गई हैं ये भी। तो यार मुर्गियों का दाना डाला हुआ है, मुर्गियाँ इधर दाना खा रही हैं। पहले मैं पिंजरे के अंदर स्प्रे कर रहा था, अब भाई कर रहा है। शमी को मैंने कहा कि पिंजरे के अंदर स्प्रे कर दे, तो तकरीबन सारे पिंजरे के अंदर एक बार मैंने स्प्रे कर दिया और 1 से 2 बार शमी कर देता है। तो 3 देर तक मैं अपने बजीत के पिंजरे के अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कि हमारे बजीत का 5वां बच्चा निकला या नहीं। तो आज हम अपनी मुर्गियों के पिंजरे के आगे कपड़ा नहीं करेंगे, कपड़ा हम आगे कर देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो आज हमने स्प्रे भी पिंजरे के अंदर कर दिया, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियों को काफ़ी ज़्यादा बदबू आएगी स्प्रे की। तो आज हम अपनी मुर्गियों के आगे कपड़ा नहीं करेंगे, अपने पास बजीज के आगे कपड़ा कर देंगे, ताकि बजीज के बच्चों को सर्दी ना लगे।
अजीत के पिंजरे के अंदर आ गए, आज इन्हें तरबूज डाले, इन्होंने खुद भी खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया, तो ये देखें सारा दाना कनाली भरी पड़ी है दाने से, तो दाना इतना ज्यादा नहीं ये खा पा रहे जितना इन्हें खाना चाहिए, अपने बच्चों को काफी अच्छी खासी फीडिंग करवा रहे हैं। भाई साथ वाले पिंजरे के अंदर स्प्रे कर रहे हैं मुर्गियों के, तो इस वाले पिंजरे के अंदर भी स्प्रे की बदबू आ रही है, और ये देखें धोती पा के अपने बच्चों के पास चली गई है। आज भी इस वाले पिंजरे की छत काफी ज्यादा गीली है और पिंजरे के अंदर काफी ज्यादा गर्मी भी है, तो देखते हैं कि इसका बच्चा पांचवा निकला है या नहीं। तो यार माशाल्लाह से बच्चों की इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, पांचवा बच्चा अभी तक नहीं निकला, वो जो दूसरा बच्चा बहुत उठ के बैठ गया बड़े वाला, इसे भी सीधा कर देता हूँ, उल्टा हुआ पड़ा बेचारा। माशाल्लाह से काफी अच्छी फीडिंग करवा रही है और ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे बहुत जल्दी इनका पांचवा बच्चा भी निकल जाए। गर्मी आज इनके पिंजरे के अंदर काफी ज्यादा, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो यार अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गया। मैं बजीज और मुर्गियों के पिंजरे के अंदर गया था, काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो इंशाल्लाह इनके सेटअप के ऊपर जो इनके पिंजरे हैं उनके ऊपर ग्रीन वाइज जो तरपाल होती है वो लाकर डालेंगे। समीर लाकर डालनी चाहिए या नहीं? डालनी चाहिए, गर्मी उससे कम लगती है। हाँ उससे गर्मी तो कम लगेगी, आगे गर्मी भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। यार एक जब भी वीडियो बनाने है मुर्गा दाना देना शुरू हो जाता है, पता नहीं से क्या मसला है। तो एहसन को मैंने कहा कि पिंजरे के अंदर स्प्रे करे, थोड़ी सी मैंने की है, थोड़ी सी समी ने की है और बाकी की एहसन कर रहा है। यार बदबू इसकी आ रही है ना पिंजरे में से, यार इसकी बदबू काफी ज्यादा है, चल जल्दी से कर तू, बाकी फिर थोड़ी सी मैं कर देता हूँ। तो यार भाई के पास हम दुकान पर आ गए हैं, भाई के पास काफी ज्यादा तोते और फिंचेस पड़ी हुई है, तो ये वाला जो फिशर का पैर है काफी प्यारा पड़ा हुआ है, तो भाई से हमने दाना ले लिया है, तो भाई के पास इस बार सारे मेल ही पड़े हुए हैं, तो भाई कह रहे इस बार फीमेल कोई भी नहीं है, तो चलते हैं अपने सेटअप पर, दाना हमने ले लिया। यार अपने सेटअप पर आ गए हैं, अपने बेटे का दाना लेते हैं, वजीद का भी दाना ले लिया और अपने जो माजरती के चूजे उनका भी दाना ले लिया। तो सबसे पहले अपने माफके के अंदर अपने वजीद के कबूतरों को दाना डालते हैं, ऐसा यार इनके थोड़ा सा दाना डाल दे, इन्हें पता चल गया इनके लिए दाना आया, जो भूख है इन्हें थोड़ा सा दाना डाल। तो यार जो हमने अपने अंडे इंक्यूबेटर के अंदर अपने चाचू की तरफ रखवाए थे उनमें से तीन बच्चे निकल आए हैं, तो इंशाल्लाह कल को हम वो बच्चे भी ले आएंगे, चूजे हैं तीन छोटे छोटे। यार देख कबूतरी जल्दी से आ गई, इसे पता लग गया कि इसे भूख लगी है, क्या बात कर इतना काफी इनके लिए। तो यार ये वाली कबूतरी काफी ज्यादा दाना बखेरती है, टांग भी सबसे ज्यादा ये वाली कबूतरी करती है दाने के मामले में। तो ये जो हमारी पिंची है आजकल हमारे मास्टर के अंदर काफी ज्यादा शोर कर रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे मास्टर के अंदर अंडे दे देंगी। तो जो हमारे ऊपर बच्ची है उन्हें भी अभी दाना बैसन डाल दिया, उन्हें जल्दी से दाना डाला, चल ठीक है डाल दे। तो यार ये भाई जो कोठियां लगी हैं इसके अंदर फिंचिस जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आगे टेप लगी अंदर जा नहीं पाती, तो जिसकी वजह से इसके अंदर आके बैठ जाती है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे दे देंगी। तो यार ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल पर सिटी को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार एक बात बताना मैं भूल ही गया, ये बार जब हमारा कबूतर अंडों के ऊपर बैठे इसके दोनों अंडों की हमने कैनली की है, माशाल्लाह से इसके दोनों अंडे बिल्कुल सही हैं और तकरीबन 4 से 5 दिन बाद बच्चे निकलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ये जो हमारा जहरी है ऐसे ही भूख लगी है, इसे भी दाने के पास कर देता हूँ ताकि ये भी दाना खा ले। फिंचिस ने फिर से काफ़ी ज़्यादा मास्टर के अंदर शोर कर दिया। तो यार ये वाली टोटी का बड़ा ज्यादा मसला, अंडों के ऊपर नहीं बैठती, एक साइड पे बैठी रहती है, देखें इसने दो अंडे दिए हुए हैं, पता नहीं इसका क्या मसला, शायद ऐसा हो के ऐसा अंडे ये सारे इकट्ठे दे के फिर अंडों के ऊपर बैठे, हो भी सकता है। इसके दो अंडे हैं, ये टोटी सबसे गंदी टोटी ये है, सबसे कम अंडे इसने हमारे सेटअप पर अभी तक दिए हैं, और जो जेरी की माँ है उसने माशाल्लाह से इस पर 8 अंडे दे दिए उसके, और उसके 4 बच्चे भी निकल, पांचवा यार पता नहीं क्या मसला, वो निकल नहीं रहा। हाँ